इसके लिए मुंजा पूछ देगा। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भाई बहुत अजीब सा लग रहा है कि किससे बात कर रहा हूँ मैं, कैमरे से अकेला बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना मैं। तो आज भाई कहीं जाने का प्लान बनाया, अभी बता नहीं रहा कहाँ जा रहे हैं। व्लॉग में एंड तक बने रहे, एंड तक क्या, अभी एक दो क्लिप बाद ही पता लग जाएगा तुम्हें कि कहाँ जा रहे हैं। तो तुम्हें दिखाते हैं भाई, व्लॉग में बने रहे। और अभी भाई और आ रहे हैं पिक करने। और भाई कमरे की तुम हालत देख सकते हो, क्या हालत हो रही है आज। मतलब बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ, 3-4 महीने मान लो मेरे हिसाब से। तो क्योंकि लास्ट व्लॉग मैंने शायद वो खाटू श्याम वाले वही करते जब हम गांव घूमने गए थे। तो आज हम चार या पांच बंदे जा रहे हैं, अभी दिखाता हूँ कौन कौन जा रहे हैं, सबसे मिलवाता हूँ तुम्हें। तो भाई निकल चुके घर से, अभी तो मैं अकेला ही हूँ। तो आगे हैप्पी भाई करेंगे ड्राइव, अभी मैं हैप्पी भाई को करता हूँ पिक जाके, क्योंकि गाड़ी इधर मेरे घर की तरफ ही खड़ी थी इनकी। तो अभी चलते हैं और घूम के आते हैं भाई। अभी दिखाता हूँ भाई कौन कौन जा रहे हैं, तो व्लॉग में बने रहे। अभी दिखाता हूँ भाई कि कौन कौन जा रहे हैं। हमारे पुत्ते भाई आ चुके हैं, हमारे पुत्ते भाई हैं, आप इनको जानते होंगे, बहुत फेमस हैं ये। ये भाई भी जा रहे हैं साथ में हमारे साथ ट्रिप पे। समीर भाई ऑप्शन है तुमने का। जीजा ने पूछा क्या समीर सनरूम कितना खुलती दीदा बता ने दीदा। लो भाई गाड़ी लग चुकी है पेट्रोल पंप पे। ओ भाई डाल दूंगा मैं। मैगनम वाली 100 रुपए वाली। अरे देख तो सर जीरो तो देखो दादा जीरो कर देना। लो भाई जीरो दिखा देते तुम्हें। अरे अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना। तो भाई यहाँ पे टंकी हो रही फुल। और ये अपने पुत्ती भाई, पुत्ती भाई बड़े हो गए भाई हमारे, देखो 1300-1400 कुछ का आ गया। देखो देखते टंकी फुल कितने में होती है। मैंने एक से एक टी शर्ट मंगाई इससे अजय से, उस टी शर्ट का उस टी शर्ट और टी शर्ट दिया 1000 रुपए की। सुन तो सही, उसे प्लीज ले लो। हाँ मैंने कहा एक टी शर्ट ले लो, ले मैं तेरे को बाकी पैसे दूंगा। अरे अच्छी नहीं है टी शर्ट, अब मेरे को तो अच्छी लग रही है टी शर्ट। क्या पहने गए इसे क्या। लो भाई 41 लीटर पे कटआउट लग चुका है, अब हमें टंकी फुल करवा लेते हैं। यहाँ बस 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 करो करो करो, भर दो पूरा पेट भर दो इसको ऊपर तक। इसे तो खाना खिला दिया, हमें ही खिला दो भाई। अब अभी भी बहुत आ गया यार, लखरे करती है। 3-4 लीटर और आ गया ऊपर ना। बस बस अब हुआ नहीं, अभी भी नहीं हुआ। डालो डालो और डालो। टंकी है कितने लीटर किसकी। अरे वो करवा लेना क्या, क्यों 4250 ही करा दो बस। 4250 कौन है कौन है रिएक्शन ही नहीं है ये क्या, कोई रिएक्शन ही नहीं है यार। सन्नी वाला रिएक्शन कह रहा था। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं नोएडा, और नोएडा की सिटी देख सकते हो तुम भाई। मतलब मैं पहली बार आया हूँ, सुना बहुत है कि बहुत अच्छी सिटी है नोएडा की, और सच में बहुत अच्छी सिटी है भाई। लाइटिंग वाइटिंग फ्लाईओवर पे देख सकते हो तुम, एकदम बढ़िया। पर तू मैनू गाली ही जाची का बेच तू पाया जटा ने कुड़े तन पस पाया वे लगी। तो भाई अभी यहाँ ढाबे पर रुके हैं चाय वाई पीने, और यहाँ पे चाय है और ब्रेड पकौड़ा ही है, और तो खाना वाना तो भाई कुछ है नहीं, बंद हो गया क्योंकि टाइम भाई डेढ़ के समथिंग टाइम हो गया। और यहाँ से अपना वृंदावन है 100 किलोमीटर,
हाथ लगाइए लगाइए इसमें फिर इसके हाथ लगाना अबे खा जाएगा मेरे को डर लगता है भाई आ जाओ जो हाय तो यहाँ से भाई वृंदावन रह गया 100 किलोमीटर सोनी हाँ 80 के समथिंग वृंदावन रह गया और अजय भाई की डायल देखो भाई भाई एक बार बॉडी चेक करा देना भाई अपनी बॉडी देखी भाई की 80 किलोमीटर वृंदावन है यहाँ से मतलब सही हैप्पी भाई चला रहे गाड़ी सही चला रहे हैं भाई 100-110 की स्पीड मेंटेन हो रही है बढ़िया एकदम इस रोड पे ये यमुना एक्सप्रेस वे रोड है ये और इस पे ढाबे होटल वगैरह बहुत कम है मतलब ये जो लिया है ये भी रोड से यू टर्न मार के लेना पड़ा ये भी लो भाई यहाँ पे तो मोबाइल चल मिल गया भाई को लेकिन इसकी हालत थोड़ी अजीब सी हो रही है भाई बिरयानी खाओ खाना बन चेक कर लेना चेक कर लेना तो कर लेना क्या हो गया खाना वाना बंदा भाई यहाँ पे ब्रेकफास्ट ही कर सकते हो उस टाइम पे लो भाई हमारे भूखे भाई ने बिरयानी ले ली है और भाई तुम देख के कहोगे कि चिकन बिरयानी नहीं है भाई वेज बिरयानी है ये तो बढ़िया है वेज ही है ना गरम है गरम तूने क्या पाव भाजी बनवाई है पेट खराब हो जाएगा पाव भाजी से नहीं हो रहे यार भाई उस होटल पे कुछ अच्छा नहीं मिला तो थोड़ा बहुत खा के अब यहाँ पे आ गया भाई उससे पीछे जस्ट पीछे होटल था ये अब यहाँ पे देखो भाई क्या ऑर्डर दे रहे हैं ये हल्का फुल्का खाएंगे और फिर जाएंगे भाई आगे मेरा तो कुछ खाने का मन नहीं था ये करा भाई खाएंगे मगर खा लो भाई वही है ना खाने के बाद फिर गाड़ी में बैठना वो हो जाता है बड़ा सन्नी भाई का कच्चा देखो भाई तुम क्या मैचिंग में लोन लेगी मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया लो भाई खाना पीना हो चुका भाई भाइयों का खाने ही आते हैं मैंने कुछ नहीं खाया लेकिन यहाँ पे छोटी सी ट्रिप का पहला टूल टैक्स आ गया भाई अब देखते हैं कितने रुपए का टूल है ये लग तो रहा भाई ज़्यादा क्योंकि बड़ा टूल टैक्स है ये 125 का ही सिंगल फास्टैग का तो भाई पहुंच चुके हैं वृंदावन और हम बिल्कुल प्रेम मंदिर के सामने खड़े हैं अभी नहीं दिखाऊंगा तुम्हें तो थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा दिखा दूँ 1 2 3 ये देखो भाई नाइट व्यू ओए होए अरे ओए आ जाओ भाई चाय पी जा ओए सुननी आ चल यहीं पे आसपास में हम होटल लेंगे रात को स्टे करेंगे और फिर कल या तो सुबह दर्शन करेंगे या फिर कल रात को काले पेंट काले दिन हो गया 5 बज गए उस मंदिर की मतलब टाइमिंग के हिसाब से खुलता है 8:30 बजे खुलता है सुबह और रात की टाइमिंग पता नहीं है अभी पता नहीं है भाई हमें बाकी देखो भाई भक्त कैसे बैठे हैं वेट कर रहे हैं कि मंदिर कब खुले बाकी 8:30 बजे खुलता है मंदिर ये सुबह अभी 5 बजे हैं दिन तो पूरा हो ही गया मतलब भाई मंदिर बहुत कैड़ा है बहुत अच्छा बना रखा है रूम वूम देखते हैं भाई थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर सुबह देखते हैं क्या सीन है दर्शन वर्शन करने का बहुत से बंदे बोलते हैं कि यहाँ के रात के दर्शन ही अच्छे होते हैं बट देखो भाई कैसे क्या होता है जैसे भी होगा तुम्हें पता चल ही जाएगा भाई बंदर वेट कर रहा है दूसरे बंदर का समीर ये पूछे मैं नहीं अरे बंदर वेट कर रहा है दूसरे बंदर का लेके जाते में तेरा जा बेवर क्या तेरा वाला दिखा बेवर पता कर लो रूम है तो हमारे सन्नी भाई को ये लोकेशन पसंद नहीं आ रही करा भाई हम तो मैं तो मंदिर के पास ही लूँगा रूम और हमें यहाँ रूम मिल रहा है रिजॉर्ट के अंदर क्या भाई सन्नी भाई रूम पसंद नहीं आएगा आपको तो भाई चाबी वाबी तो दे दे यार कितना रूम नंबर तो बता दो तुमसे भाई पैसे ही नहीं दे यार ले भाई ये भाई रिजोर्ट यहाँ पे लिया रूम भाई की बॉडी चेक कर लो भाई एक बार बॉडी चेक करा दे एक बार क्या पूछना होता क्या पूछना है इसके लिए मुंजा पूछ दे तो भाई रूम ले लिया हैप्पी भाई तो फैल चुके रूम में रूम लेते ही और बाकी ये तो हो गया और भाई समीर भाई को प्रॉब्लम हो रही है आपको क्या दिक्कत हो रही है समीर भाई आपको सही तो है रूम
समीर भाई आपकी टांगे सीधी नहीं हो रही क्या? ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰਾ ਬੋ ਜੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੀਆਂ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਹੀ ਜੱਟਦੀ ਲੱਕ ਤੇ ਉੱਚੀ ਦਾ ਬੈਲਟ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕੋੜੇ ਤਨ ਫਸਵਾਇਆ ਵੇ ਲੱਗੀ ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ।